अभी जा रहे हैं हमारे विलेज से 200 किलोमीटर दूर। हमारे भाई की कोई फ्रेंड थी, उनके घर पर कोई शादी का प्रोग्राम था, तो हम सब भाई लोग नहीं जा रहे हैं। बस रवाना होने वाले हैं कुछ देर में। अभी जाते हैं घर पर और कपड़े चेंज करते हैं और जाते हैं साथ। आज हम आए थे गुजरात, हमारे जो गांव के डॉक्टर साहब हैं उनको लेनी थी गाड़ी। पहले तो न्यू लेने की सोच रहे थे, मगर किसी कारण फिर उनका मूड जो चेंज हो गया है। अभी कोई कम किलोमीटर चली हुई गाड़ी वो लेंगे। तो अभी एक ऑटो कंसल्ट आ गए हैं वहाँ पर गाड़ी देखने। तो डॉक्टर साहब और भाई, हम 3 4 जने थे, तो वो अभी गाड़ी देखने के सामने आपको गाड़ी दिख रही है, ये अभी चेक करने गए हैं। अगर पसंद है तो ये लेंगे, नहीं तो आगे और जाएंगे। अभी ये ट्राई के लिए गए थे। काफ़ी शानदार गाड़ी है, क्रेटा होंडाई की है। गाड़ी की खोज जा रही है, 5 6 जगह पर पहुंचा मगर अच्छी गाड़ी नहीं मिली। तो अभी आ गए मेहसाणा गुजरात। अब यहाँ पर कोई भाई के फ्रेंड है, उनकी गाड़ी है, वो अभी देखने जा रहे हैं। अभी सभी भाइयों का चाय पीने का मन था तो कूलर चाय ले आए। डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं, भाई लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। अब यहाँ से चाय पी के रवाना होते हैं, फिर देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है, नहीं तो कल इंशाल्लाह और ढूंढें। गाड़ी तो अभी नहीं मिली है, मगर गुजरात की जो शाम का ब्यूटीफुल व्यू है वो देख के इंजॉय कर रहे हैं। मैं और भाई, दो भाई आ रहे हैं, डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं। गाड़ी इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तो मिल जाएगी। हम थोड़ा गुजरात भी देख लेते हैं। डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम और गुजरात है। राजस्थान में तो सिर्फ धूल उड़ती है और तो कुछ नहीं है। गुजरात घूमने लायक है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो भारत में कहीं नहीं मिलेगी वो आपको गुजरात में ज़रूर मिल जाएगी। तो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सीन यूँ है कि काफ़ी गाड़ियां पसंद की मगर डॉक्टर साहब के काम की कोई नहीं मिल रही थी। अब एक भाई के फ्रेंड थे, उनकी एक उनके पास एक गाड़ी थी, वो देखने आए हैं। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं लें कि नहीं लें, तो उन पे अब आखिरी फाइनल डिसीजन है। अगर वो पसंद करते हैं तो ये उनकी जो भाई के फ्रेंड की थी गाड़ी वो ले लेंगे, नहीं तो कल और देख लेंगे। अभी आए थे भाई के फ्रेंड की होटल है, तो उन पर अभी खाना खाने आए हैं। अब यहीं पे आराम कर लेंगे, कल इंशाल्लाह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। भाई लोग खाना खाने के बाद अब सोने का प्लान बनाया है। भाई के कोई फ्रेंड थे, उनकी होटल में अभी रुके हैं। ये है रूम, 3 बेड वाला रूम था, इस पर मैं और भाई सोएंगे, इस पर वो जो हमारे गाड़ी वाले भाई थे गांव के वो सोएंगे। डॉक्टर साहब का रूम हमारे जस्ट रूम के पास में ही है। ये है कुछ बाहर का व्यू, कांच साफ होने के कारण आपको बाहर का सही नहीं दिख रहा होगा। काफ़ी बढ़िया रूम है, यहाँ टीवी लगी हुई है, फैन है, एसी है, ये हमारा बेड। तो ये रहा डॉक्टर साहब का रूम जस्ट हमारे रूम के पास में। जल्दी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई गाड़ी पसंद आए तो ले लेंगे। कल इंशाल्लाह किसी भी हालत में कोई गाड़ी लेके ही जाना है। अब आए हैं तो अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। भाई अभी गाड़ी का कहीं पता कर रहे हैं, अगर बढ़िया मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नई शोरूम से लेंगे। तो अब आ रही है नींद, सो जाते हैं, मिलते हैं आपको कल इंशाल्लाह। गुड नाइट। तो सुबह होटल से नहा धो के फ्रेश होकर गाड़ियाँ ढूँढ ली, मगर पसंद नहीं है। तो अभी एक भाई के फ्रेंड है, उनके वहाँ पर ऑटो कॉन्सल जा रहे हैं, अगर वहीं पसंद आए तो ठीक है। तो अभी आए होटल पर नाश्ता करने। सुबह नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी, तो अभी नाश्ता करेंगे और भाई का जो फ्रेंड है उनके ऑटो कॉन्सल जाएंगे, अगर वहीं गाड़ी पसंद आए तो ठीक है,
नहीं तो नहीं लेंगे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं गाड़ी ढूंढने। तो नाश्ते में पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था, तो अब पिज़्ज़ा खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तब तक भाई पता कर रहे हैं गाड़ी का, वो अभी कॉल कर रहे हैं कहीं गाड़ी मिल जाए। तो गाइस सुबह नाश्ता करके फिर दो चार और जगह पर भाई के जो फ्रेंड थे उन वहाँ पर गाड़ी ढूंढने की कोशिश की, मगर गाड़ी कोई बढ़िया नहीं मिली। तो अभी आ गए हैं सांचौर, यहाँ पर होटल पर खाना खा रहे हैं। खाना खा के अब यहाँ से रवाना होंगे, देखते हैं अगर एक और गाड़ी है वो देखने जाना, अगर वो पसंद है ठीक है, नहीं तो न्यू ही लेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी खाना खा के बस रवाना हो रहे हैं। तो गाइज डॉक्टर साहब की गाड़ी कोई पसंद नहीं आ रही थी, तो वापस आ गए थे। काफ़ी जगह ढूंढी मगर डॉक्टर साहब कोई गाड़ी पसंद नहीं आई थी, तो फिर वहाँ से रवाना हो गए थे वापस। बीच में रास्ते में डॉक्टर साहब को घर पर छोड़ दिया। फिर रात को घर पहुँचते लेट, 12-1 बज गए थे, तो सो गए थे। सुबह भी 2-3 दिन की थकान थी तो नींद आ गई थी। अभी उठे हैं, अभी टाइम है शाम के 7, तो अब देखते हैं डॉक्टर साहब या तो नई गाड़ी बुक करवा लेंगे या कोई बढ़िया गाड़ी पसंद आई थी तो वो ले लेंगे। मगर डॉक्टर साहब का तो मन तो अब नई गाड़ी की तरफ था। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।